तो भाई ये फ़ायदा होता है फ्लैश यूज़ करने का। फ्लैश की मदद से आप शाम के टाइम में एकदम बढ़िया बढ़िया से इस तरह की फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। अभी मैं अपने निब्बे भावेश की फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा हूँ भाई, बहुत ज़्यादा फॉर्म में लग रहा है मेरे को। अरे कहना क्या चाहते हो, जिस लौंडिया ऐसे ही पटा देगा अभी फोटो डाल के। सो हे गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अनदर फोटोशूट ब्लॉग। तो भाई आज हम करने वाले फोटोशूट एक सिंपल सी लोकेशन पे, और बहुत दिनों बाद फोटोशूट पे आए हैं भाई। फोटोशूट हम करने वाले हैं फ्लैश के साथ में, और फ्लैश अपना गॉडएक्स का यूज़ करने वाले हैं। तो कैसे रिजल्ट होते हैं आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा, तो आप ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। और भाई फ्लैश हम सिंपल सा अपना गॉडएक्स का यूज़ कर रहे हैं एक ट्रिगर के साथ में। सो भाई पहली फोटो मैंने इसकी क्लिक करवाई आनंद की, क्योंकि मैं एक अच्छी सी फ्रेम देख रहा था, और भाई फोटो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आई। देन उसके बाद भाई मैंने भी वहाँ पे बैठ के कुछ पोजेस ट्राई किए, और भाई अपने दोस्त को बोला कि भाई कैमरा के सामने से थोड़ा सा कुछ फोरग्राउंड ऐड करके मेरी फ़ोटोज़ क्लिक कर ले सेम एंगल से। तो भाई आप ये रिजल्ट देख लो फोटो कैसे आई है। सो भाई ये वाली फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे और दो फोटोज़ क्लिक कराई, जो कि मैंने कुछ अलग अलग पोजेस करके कंटिन्यूस मोड पे क्लिक करवाई है। और भाई फ्लैश एकदम सीधा मेरे मुंह पे ही ले रहा था ये बंदा। और भाई ये जो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ ब्लॉग के बीच में, ये आपको कैसा लग रहा है कमेंट में बता देना, मैं अगले ब्लॉग में ये ट्राई करूँ या ना करूँ ये भी बता देना। सो भाई ये वाली फ़ोटोज़ भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी, और ये वाली फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद में मैंने अपने टी शर्ट पर लेयरिंग करी एक सिंपल सी शर्ट से, और दूसरी फ़ोटोज़ क्लिक करी सेम पोज के साथ में थोड़ा अलग एंगल से, और ये वाली फ़ोटो भी भाई काफ़ी हद तक एकदम बहुत बढ़िया आई है एक्सपेक्टेशन से। सो भाई इसके बाद में जो मैंने फ़ोटोज़ क्लिक करी वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट फ़ोटो, जो कि मैंने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी करी हो। सो भाई इसके लिए मैं यहाँ पे दिखे हुए घास फूस में चला गया, और अपने दोस्त को बोला सामने से थोड़ा सा फोरग्राउंड ऐड करके मेरी फ़ोटोज़ कंटिन्यूस मोड में क्लिक कर मैं रैंडमली पोज करता हूँ। और भाई उसके बाद में जो रिज़ल्ट आया ना भाई, एक नंबर, मेरे को सबसे फेवरेट फ़ोटो है भाई इस ब्लॉग में मेरी, ये इस फोटोशूट में ये फ़ोटो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आई। और आप आगे रिज़ल्ट देख सकते हो कि कैसी फ़ोटो आई है। अपना मॉडल आनंद भाई काफ़ी ज़्यादा फॉर्म में है, और भाई बहुत बढ़िया बढ़िया पोजीशन रहता है। सो भाई अभी हमने वहाँ पे पीछे फ़ोटोज़ क्लिक करा ली, और वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ आई है, और थोड़ा आगे जाते हैं और आगे भी थोड़ी फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं। तो चलो आप ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना, और ये सारी फ़ोटोज़ जो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा वो अपने इंस्टाग्राम पर ही भाई फ्लैश मेरे हाथ में रहेगा, वो फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे हैं। फोटोज़ यहाँ पर क्लिक हो रही है अपने इंस्टाग्राम आईडी पर ही डलेंगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी की लिंक दे दी है, और जो मेरे को अपने फोटोशूट में सपोर्ट कर रहा है उनके भी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो भाई उनको भी फॉलो कर देना। तो चलिए आगे फोटोशूट देखते हैं। सो भाई ये बंदा अपना फ्लैश पकड़ रहा है भाई, छोटा सा निब्बा भाई, बहुत छोटे छोटे बच्चों के साथ में फोटोशूट कर रहा हूँ मैं। बच्चे मन के सच्चे होते हैं भाई, बड़ा होने के बाद तो आदमी मादरचोद बन जाता है। और भाई इतनी सारी बकचोदी करने के बाद में मैं फाइनली यहाँ पे पोज करके बैठ गया। तो भाई अभी यहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ क्लिक कराई, ये फ़ोटो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई, ये आप रिज़ल्ट देख सकते हो। देन उसके बाद में मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो क्लिक कराई जो कि मेरे को इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, तो मैंने एडिट भी नहीं की, रहने दिया उसको ऐसे ही। देन भाई अब बारी आती है उस बंदे की फ़ोटोज़ क्लिक कराने की जिसने हमारी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करी है, तो भाई अभी उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करता है। और भाई जो मैं ये ब्लॉग के बीच में वॉइस ओवर कर रहा हूँ कुछ क्लिप के, ये आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बता दें। ये यहाँ पर भाई ने अपने कुछ पोज करे और मैंने उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करी, तो ये आप रिज़ल्ट सामने देख सकते हैं। तो भाई एक तरह से अपना नाइट शूट ही हो रहा है, क्योंकि अभी अंधेरा ही हो रहा है। तो चलो मैं 20 रुपये गॉगल लगा फोटोज क्लिक करा देता। सो भाई वीडियो यहाँ पे जो वीडियो की फुटेज होगी आपको इतनी अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन जो फ़ोटो का रिज़ल्ट आने वाला है काफ़ी ज़्यादा तगड़ा आने वाला है। सो भाई यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा हो चुका था, और हमने अपने फ्लैश का एडवांटेजेस लेते हुए कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराई, जो कि भाई आपने पहले देखी एक फ़ोटो, एंड उसके बाद में ये दूसरी फ़ोटो जो कि काफ़ी ज़्यादा सही आई है। देन उसके बाद में मैंने और कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराई वहाँ पर, जो कि आप ब्लॉग में आगे देख सकते हो। ये वाली फ़ोटो भी भाई मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। देन उसके बाद में भाई मैं यहाँ पे कुछ उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट वाले पोजेस कर रहा था। पोजेस करते करते 2-3 फोटोज़ भाई अच्छी आ गई है मेरी, 2-3 फोटोज़ भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ गई है, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगी। तो भाई ये वाली फ़ोटो भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है।
सो भाई ये वाली फोटोज क्लिक करते टाइम में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था और भाई कैमरा भी अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहा था। और भाई मैंने बहुत बहुत मतलब ट्राई करने के बाद में, बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद में, दो तीन फोटोज़ क्लिक करने के बाद, मतलब चार पांच फोटोज़ क्लिक करने के बाद में मेरी एक फ़ोटो अच्छी आई है जो कि आपको आगे देखने को मिलेगी। सो लेट्स चेक द रिज़ल्ट। तो भाई अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और भाई आगे ब्लॉग में फ़ोटो का रिज़ल्ट देख लो, एकदम काफ़ी बढ़िया फ़ोटोज आई है। सो भाई फोटोशूट करते करते हमें हो चुके काफ़ी ज़्यादा देर और मैंने अभी ये रिकॉर्ड करने के लिए मोबाइल का फ्लैश लगाया दूसरे, नहीं तो भाई फ़ोन में तो अच्छे से दिख नहीं रहा हूँ और BTS अभी रिकॉर्ड नहीं होगा। तो हमने सोचा है कि भाई इस ब्लॉग को यही पेंट कर देते। फोटोज़ भाई काफ़ी एकदम बढ़िया बढ़िया फोटोज़ क्लिक की है और आपने तो देखी होगी। और कौन सी फ़ोटो का एडिटिंग ट्यूटोरियल आपको चाहिए आप मेरे कमेंट में बता देना और ये सारी फोटोज़ मैं अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दूंगा और मेरे दोस्तों को भी फोटो वो भी इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट कर देंगे। तीनों के इंस्टाग्राम आईडी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और भाई सपोर्ट करते रहना, अपने दोस्तों को शेयर करना और ऐसे ही फोटोशूट ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कौन सी फोटो आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी है भाई कमेंट में ज़रूर बता देना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।